देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। बात लोजपा के मिशन 2024 की करेंगे। आखिर क्या है लोजपा का मिशन 2024? लोजपा रामविलास के पार्टी कार्यकर्ता के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष संघ आदि लोगों ने मिलकर मिशन 2024 के लिए तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी है। इसको लेकर इन लोगों ने जिले के तमाम प्रखंडों में बैठक कर अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार सदस्यों को बनाने का टास्क अपने लोगों को दे रहे हैं और विपक्ष पर भी कमान कसने की तैयारियां कर रहे हैं। इन लोगों ने मिशन 2024 अर्थात चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का बीड़ा उठाते हुए विपक्ष पर क्या तंज कसा, इसे इनके ही शब्दों में समझा जा सकता है। आप अपना शुभ नाम बताते हुए ये बताएंगे कि आज चानन में बैठक की गई लोजपा की, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैं रामाश्रय शर्मा और सुन शर्मा, प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास एवं लखीसराय प्रभारी एवं बेलागंज पूर्व प्रत्याशी लोजपा। आज चानन में हम लोग अपने संगठन के समीक्षा के लिए बैठक की और चुनावी वर्ष है और चुनाव माथे पर है, इस चलते हम लोग अपने कार्यकर्ता के साथ समीक्षा कर करके मेरी कहाँ कमजोरी है, कहाँ क्या करना है, इसके लिए समीक्षा बैठक करते हैं। वर्तमान की सरकार की दशा और दिशा के बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार की दशा दिशा हमसे तो आप ज़्यादा बता सकते हैं, क्या क्या प्रेस वाले हैं, उनकी दशा और दिशा, दशा है ही नहीं, दशा तो उनका खराब है ही है और दिशाहीन हो गए हैं, दिशा उनके पास है ही नहीं, कोई मार्ग नहीं है, कोई दिशा नहीं है। तो क्या लगता है कि ऐसे में बिहार में एक ऑप्शन जो आपके नेता हैं वो बच गए हैं? हाँ, मेरे चिराग पासवान ही एक ऐसे बेदाग छवि वाले चेहरा वाले नेता हैं जो बिहार का भविष्य और बिहार का ऑप्शन जो ही बचे हैं, उन्हीं पर सारी जनता का निगाह टिका हुआ है। सबको कोई के 15 वर्ष, कोई के 20 वर्ष, कोई के सब कोई देख लिया सारे लोगों का। अब सारे जनता जो है से अपनी व्याग्र आँखों से केवल आशा लगाए हुए है कि चिराग पासवान वाले पर ही एक आशा है कि जो बिहार के भविष्य को दशा, नई दशा और दिशा दोनों प्रदान करेंगे। जी, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ ईश्वर पासवान उर्फ लाठी सिंह, प्रदेश महासचिव सह लखीसराय। एक बात बताएंगे, आज ये बैठक में एक बात हो रही थी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आखिर क्यों? इसलिए कि हमारे नेता पूरे भारत के फर्स्ट हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह से हम भारत को फर्स्ट कर दिए, इसी तरह से बिहार को भी हम बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के बैनर तले हम सभी बिहारियों को एकजुट होने के आह्वान कर रहे हैं। और आगामी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसी के आज का दिन जो दिनांक 5/8/23 को जो आज चानन में हम लोग प्रखंड स्तरीय जो बैठक किए उसमें खास करके हम अपने नेता जो एक बेदाग नेता हैं जिनका नाम है चिराग पासवान, चिराग ही पासवान एक ऐसा दाग हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री एक भविष्य बनाने के लिए हम लोग एकजुट होकर हम लोग आपस में घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर हम लोग खून पसीना एक कर हम सभी भाई बंधु मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए संगठनात्मक हम लोग बैठक किए हैं। आप अपना शुभ नाम बताएंगे और लोजपा में कौन से पद पर हैं? मेरा नाम पिंकी साथी है, मैं खेल एवं संस्कृति की जिला अध्यक्ष। क्या लगता है कि आने वाले समय में जब तमाम राजनीतिक दल छल बल और कल तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में आप अपने नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाएंगे? ये बिहार की जनता के लिए एक अवसर है कि वो कायापलट कर सकते हैं। अगर उनको अपना अच्छा सरकार चाहिए, बेहतर जीवन चाहिए, तो सरकार तो बदलनी पड़ेगी। और शेर चलता है तो बहुत कुत्ते तो भौंकते ही हैं। एक बात आपने बैठक में कही कि अगर परिवार के लोग जो लोजपा के परिवार हैं, अगर वे अपनी बहनें, अपनी माताओं को लेकर बैठक में शामिल होती हैं तो इससे महिलाओं को ताकत मिलेगी, हम महिलाओं को भी ताकत मिलेगी और इसमें महिला संगठन में शामिल भी होंगे, ऐसा क्यों? सर, परिवार बिना महिला की पूरा नहीं हो सकती है, तो ये दल और ये लोजपा परिवार कैसे हो सकता है? और महिलाओं को बल इसलिए देना भी चाहिए क्योंकि महिलाएं ही संसार को चला रही हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं महिलाओं, क्योंकि मैं खुद ये जान रही हूँ
ये बिना पर तो क्या लगता है कि आगामी बैठक में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा होगी? कई गुना बेहतर होगी, आप देख सकते हैं। जी आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम अजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लखीसराय। आने वाले विधानसभा चुनाव में जब अलग अलग पार्टी अलग अलग दल के लोग छल बर और कल तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग उसका तोड़ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम श्रोता को अपनी ओर से और अपने पार्टी की ओर से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये आगाज करना चाहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। चाहे कितना भी छल कपट ये हो जाए, जनता जब जाग जाती है तो बड़े बड़े तानाशाही धराशाही हो जाते हैं, बड़े बड़े हिटलर शाही नष्ट नाबूद हो जाते हैं। अब बिहार की जनता को ये लाठी गोली की सरकार नहीं चाहिए। किसानों पर लाठीचार्ज, जो भी जो मांग करने जाते हैं उस पर ये सरकार अत्याचारी सरकार, व्यभिचारी सरकार, ये जुल्म ढाती है। इस जुल्मी सरकार के जोर को अब बिहार की जनता बर्दाश्त करने के लिए वाकई तैयार नहीं है। हमें चाहिए तो सिर्फ चिराग 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 सिवा चिराग के अब बिहार का कोई भला देखने वाला नहीं है। इसलिए चिराग पासवान ही एकमात्र आशा के दीप है, जिसे हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने घर का नाम दीपक रखा था। लेकिन पूरे बिहार के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने बेटा का नाम चिराग रखा। क्या लगता है कि बीते 5 वर्षों में बिहार की जनता को छलने का काम किया गया, इन्हें विकास का कोई रूपरेखा नहीं दिखाया गया क्या? नहीं, बीते 5 वर्षों में नहीं, विगत 30 वर्षों से कभी बड़े भाई की सरकार कभी छोटे भाई की सरकार चल रही है। कौन बड़े भाई और कौन छोटे भाई? लालू प्रसाद यादव जी बड़े भाई और नीतीश कुमार जी छोटे भाई, दोनों मिल करके जाति जाति के नाम पर, अगरा पिछड़ा के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, दलित पिछड़ा दलित महादलित के नाम पर, पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर हमारे समाज को, हमारे परिवार को तोड़ने का काम किया, अपने वोट की राजनीति करने का काम किया। इसको बिहार की पूरी जनता पूर्णतः समझ गई है और इससे निजात पाने के लिए बिहार की तमाम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। सुबह क्या बोलते हैं, शाम क्या बोलते हैं, सुबह हम किसके साथ हैं, शाम किसके साथ पलट करके आ जाएंगे। अभी भी देख रहे हैं कि कहां कभी रघुवंश जी को बुलाते हैं कि कोई रास्ता खोज दो कि हमको बीजेपी साथ कर ले, कभी ये करता है। हमारे चिराग पासवान जी ने शुरू से अंत तक आज तक विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कभी असंजत होने का काम नहीं किया।